गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम डिस्कसिंग द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 14 बेटा दैट वी हैव कंप्लीटेड इन लास्ट क्लास केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट कम ऑन द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दैट वी हैव टू आंसर इन वन वर्ड फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पीशीज कैरी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्व सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कि भाई कौन सी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्वे सोल्यूशन में से इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में से कैरी करती है तो कौन करते हैं घूमते हैं ना चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज चार्ज हो या नेगेटिवली तो आंसर विल भी बेटा आइंस फर्स्ट का क्या आंसर है आइंस सेकेंड क्वेश्चन नेम द पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटल्स कि इलेक्ट्रिक करंट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से करंट को फ्लो करने देते हैं तो विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए तो बेटा उसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स कौन घूमते हैं मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देन थर्ड क्वेश्चन है बेटा वट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थीन लेयर ऑफ अ मेटल ओवर अनदर बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी कोल्ड की जब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयरिंग कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को सो दट प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या बोलेंगे बेटा उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्वेश्चन नंबर फोर वट इज द मटीरियल ट एंड इलेक्ट्रिस टू फ्लो थ्रू दैम कोल्डीरियल को क्या बोलते हैं जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते तो क्या बोलते हैं बेटा उनको इन सुटर आंसर विल बी इन सुटर्स क्या होगा आंसर इन सुटर्स देन क्वेश्चन नंबर फाइव नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिस प्रिंसिपल के बेस पे दो प्रोसेस को बताओ इलेक्ट्रोलिस क्या होती है इलेक्ट्रोलिस में बेटा ब्रेक डाउन ऑफ द केमिकल जो भी केमिकल्स उसके अंदर है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करना क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस तो दो प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस पे डिपेंड है वो कौन कौन सी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं बेटा हम विद द हेल्प ऑफ एंड देन इलेक्ट्रोलिसकेंड क्वेश्चन इज वट इज एमीटर एमीटर क्या होता है एंड वेयर इज एन एमीटर प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट तो एमीटर बेटा वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम करंट को मेजर करते हैं कि कितना करंट सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज ंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड एमीटर और एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा इज कनेक्टेड इन सीरीज इन दर्किट दे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है तो हमें पता है द फिनोमिना ऑफ कॉजिंग वो फिनोमिना जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं कब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं

और यहां पे ये कंपास जो कि जैसे ही माइनर करंट होगा इसमें डिफ्लेक्शन शो होगी सो यू है मैग्नेटिकाइग्राम ड्रॉ करोगे और देन आप तीन लिक्विड के नाम बताओगे तो उन तीन लिक्विड के क्या नाम है बेटा सो थ्री लिक्विड विल बी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वॉटर कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और इमप्योर वॉटर या जिसको हम बोलते हैं टैप वोटर क्वेश्चन फोर रह गया बेटा तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है विच मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन बाथरूम फिटिंग की जो बाथरूम फिटिंग ऐसे हमें बाथरूम में टैप्स वगैरह बिल्कुल चमकते हुए दिखाई देते हैं तो कौन से मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं एंड वाई इज दिस मेटल यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग सो बेटा क्रोमियम इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन बाथरूम फिटिंग एंड क्रोमियम इज यूज इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिकॉज इट गिवस हार्ड स्क्रेच रजिस्टेंट एंड शाइनी डिपोजिट बिल्कुल शाइनी डिपोजिट प्रोवाइड करता है इसलिए क्रोमियम का यूज किया जाता है सो यू विल राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो थैंक यू हैव अस डे